तो फ्रेंड्स आज हम ज़रा दूसरे तरीके से बना रहे हैं पास्ता। ये मैंने छोटा सा प्याज लिया है और लहसुन अदरक को भी मैंने चॉप करके इसको हम थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे। और जैसे ये सॉफ्ट हो जाएगा ना तो हम इसके बीच में ऐसे कच्चा चिकन डाल देंगे विदाउट मैरिनेट। ठीक है, ये मैरिनेट नहीं किया मैंने, आप देख रहे हैं। अब मैं इसके बीच में स्पाइसेस ऐड करूँगी। और आज मैंने कहा मैं आपको इस तरीके से जो है ना पास्ता बताऊँगी जो हमने बनाया था चाउमीन, उसमें मैंने मैरिनेट करके चिकन डाला था, आज विदाउट मैरिनेशन का चिकन डाल रही हूँ। ठीक है, अब ज़रा ये थोड़ा सा छोटे हो जाएगा तो फिर हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। इसी में हमारी जो वेजिटेबल्स है वो ऐड कर देंगे, कॉर्न्स ऐड कर देंगे। पास्ता हमारा बॉईल हो चुका है और बस ये जल्दी से कुछ रेसिपी है पास्ता बनाने की। ये बात मैंने आपको लास्ट व्लॉग में भी बताई थी कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो आप देख कर इसको डालिएगा कि ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए। इसको डालने की वजह से आज मैंने कुछ भी नहीं डाला, ये तिक्के का फ्लेवर आएगा इसके अंदर। अब हम इसमें थोड़ी सी केचप ऐड करेंगे और फिर हम इसमें पास्ता डाल देंगे। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ माय पास्ता मैक्रोनी रेडी। आप देखें कितना खूबसूरत कलर है। अनायासी मल्कि जो है ना ये विदाउट स्पाइस मैं मिक्स कर लूँगी और ये हमारा स्पाइसी, ये स्पाइसी बहुत मज़े का है। ये देखिए कितनी खूबसूरत लुक आ रही है। आई होप यू गाइस लाइक इट। सो फ्रेंड्स, इट्स रेडी टू सर्व। तो फ्रेंड्स, पास्ता बहुत टेस्टी बना था। मैंने आज आपको डिफरेंट वे से, जैसे मैंने आपको चाउमीन की रेसिपी भी शेयर की थी, ये मैंने डिफरेंट वे से जो है ना आज आपके साथ पास्ता शेयर किया है। तो आप भी प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। और यहाँ पे अनाया जी मैं सो चुकी हैं, बस आजकल उनके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा जो है ना उनकी वीडियोस नहीं बनाती, क्योंकि उनकी रूटीन ही बेचारियों की बहुत ज़्यादा टफ़ है। अभी इन्होंने रूम का बहुत बुरा हाल किया हुआ था, सारे टॉयज़ बिखरे हुए थे, वो जो सारा कुछ समेट के जो है ना कमरा मैंने सेट किया है और इनका बैग पैक किया है। और बस एक छोटा सा व्लॉग मैंने बनाया था पास्ते के ऊपर ही। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ मुलाकात होगी, फिर मैं आप लोगों के साथ अनाया जिमल की रूटीन भी शेयर करूँगी जो एग्ज़ाम्स की हैं, क्योंकि अभी ओरल चल रहे हैं तो अनाया के ओरल हो चुके हैं, जिमल के चल रहे हैं। तो कभी जिमल जा रही होती है और अनाया को छुट्टी होती है, इसी तरह अभी 20 अक्टूबर तक इनके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, फिर इंशाल्लाह ये फ्री हो जाएंगे और फिर हम डिफरेंट टॉपिक्स पे इंशाल्लाह ताला वीडियोस बनाएंगे। तो इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें और चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।